Welcome guys to Tanish Lakhani channel. In this video of mine, I am going to explain you about how to use 2:1 multiplexer or MUX as a XOR gate. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि MUX 2:1 MUX का आउटपुट क्या रहता है, कैसे आता है. उसके बाद XOR gate क्या रहता है, लॉजिक गेट हमारा, which is one type of logic gate, और उसका आउटपुट क्या रहता है, और फिर हम इस MUX को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा यूज कर सकते हैं इसका, कि हम उस MUX से XOR गेट को इम्प्लीमेंट करवा सकें, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं. और बहुत छोटी वीडियो रहेगी ये. सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे. तो MUX इज बेसिकली मैनी इनपुट 2:1 आउटपुट. आपको क्या मिलेगा, 4:1, 8:1, ऐसे भी मक्स मिलेंगे, 16:1. उनका मतलब सिंपल है, आपके पास फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट 8:4:2, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके इनपुट कितने रहने वाले हैं. बट आउटपुट भैया एक ही रहेगा, चाहे आप कितना कुछ कर लो. दैट्स वाई इट इज़ मक्स, ठीक है. पर वो एक आउटपुट क्या रहेगा, वो कैसे कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल करता है ये आपका कंट्रोल इनपुट, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट लाइन. जब आप 2:1 की बात करते हैं तो एस नोट इज योर सेलेक्ट लाइन, मतलब एक सेलेक्ट लाइन रहती है, यानी आपके कंट्रोलिंग इनपुट एक रहेगा. इसमें एस नोट एस वन दोनों रहते हैं, इसमें एस नोट एस वन एस टू. सो बेसिकली 2 to the power n इज इक्वल टू m, वेयर m इज नंबर ऑफ इनपुट एंड n इज सेलेक्ट लाइन. तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, ये क्या है मेरी सेलेक्ट लाइन. इतना सब बताने का लॉजिक सिर्फ यही है कि आपको वो बाद में समझ में आ जाए. दिस इज इनपुट. तो देखो अब s नोट, जैसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, एक बार प्लीज वेट करिएगा थोड़ा. इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है. कमिंग बैक टू अवर जॉब. अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट लाइन भी रब होगी तो हम इसको एस नोट दे देते हैं. अब एस नोट की वैल्यू अगर 0 है तो आपको, जब मैं कंट्रोल सिग्नल जो है एस नोट को अगर मैं लो बिट देता हूँ तो आपको आउटपुट मिलेगा आई नोट, जो होगा वो मेरा आउटपुट होगा. यानी एक मिनट प्लीज, वन सेकेंड. अगेन वी हैव टू रब इट, नाउ वी कैन कंटिन्यू. तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एस नोट अगर 0 है तो वाई इज इक्वल्स टू आई नोट. और वहीं अगर आप जब 1 वैल्यू डालेंगे एस नोट की, क्योंकि आपके हाथ में है ये कंट्रोल इनपुट है, ठीक है, कंट्रोल इनपुट है, तो ये आप डालोगे तो ही आपका जो आई नोट या आई वन में से कोई एक चीज आपकी वाई पे पहुंचेगी. जब आप 1 डालोगे एस नोट की वैल्यू तो वाई क्या हो जाएगा, I1. इट मींस अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, वाई मेरा इधर पहुंच जाएगा. और जब मेरी वैल्यू 1 होगी तो I1 मेरा वाई पे पहुंच जाएगा, ठीक है. तो हमारे हाथ में है भाई कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाए, विच इज कंट्रोल बाय दिस सेलेक्ट लाइन. तो हम MUX का ना जो डिनोशन रहता है वो क्या रहता है, आपको वो दिखा देता हूं मैं. इस बॉक्स में लिखने वाला हूं मैं, वो देखिए एस नॉट बार. जब एस नॉट बार, यानी जब मेरा एस नॉट की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये एस नोट बार क्या हो जाएगा, 1. व्हेन माय एस नोट वैल्यू इज 0, एस नोट बार विल बी 1. और एस नोट की वैल्यू 0 पे हमें कौन सा इनपुट चाहिए होगा, आई नोट. तो हम यहां लिखेंगे आई नोट प्लस या और ऑपरेशन. हम क्या करेंगे, फिर एस नोट की वैल्यू 1 डालेंगे. जब एस नोट की वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या चाहिए आउटपुट में, I1. तो दिस इज द आउटपुट ऑफ, दिस इज द आउटपुट ऑफ माई 2:1
मार्क्स, ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, मेरे दो इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट रहेगा, सिंपल है, ठीक है। अभी देखते हैं उनको हम, ए हमारा और बी हमारा, दोनों हमारे इनपुट है और वाइस आउटपुट, तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो, या बी वन हो, या ए वन हो, या दोनों वन हो, वी कैन गेट दीज फोर कॉम्बिनेशंस ना। तो जीरो जीरो पे क्या होता है, मेरा वाई जीरो, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे वन, वन वन पे जीरो। एक्सओआर इज अ गेट, इज अ लॉजिक गेट, जिसका सिर्फ और सिर्फ जब आपका ओड नंबर ऑफ इनपुट वन होंगे, ठीक है। ओड नंबर बोले तो अगर यहाँ सी होता तो आपके तीनों के तीन इनपुट वन होते तो आउटपुट वन होता, ठीक है। या फिर ए बी या सी में से कब कोई तो कोई एक वन होता तो वो वन होता। तो आप यहाँ दे सकते हैं ए बी में से कोई एक वन है, यानी ओड नंबर ऑफ वन वन है, ओड नंबर ऑफ इनपुट वन है, ठीक है। तो यहाँ वन मिला, यहाँ वन मिला, यहाँ पे दोनों जीरो होते, मतलब वन इवन नंबर में है ही नहीं, यहाँ पे इवन नंबर में है, तो हमको आउटपुट क्या मिला, जीरो। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सिंपली क्या होता है, ए दिस इज एक्सोर ऑपरेशन, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख जाए समझ लेना उसका मतलब क्या है। ए डॉट यानी एंड ऑपरेशन प्लस, ठीक है, दिस इज एक्सोर ऑपरेशन। तो हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, फिर बाकी सब रब कर देंगे। ए अब बस वही देखने वाले हैं कि अपन का जो इस वाले इनपुट से ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब रब कर लेते हैं हम, इसको ये सिलेक्ट कर लिया है, देन वी विल डिलीट इट, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा मेरा एस नॉट, ठीक है। अब हम जल्दी से उस पे आते हैं जो हमारा आज का लॉजिक है, क्या समझाना है। अब अपने को क्या देखना है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं वैसे। तो ये दोनों जो हमने इनपुट लिखे हुए हैं यहाँ पे, अभी हमने इससे ही देखना है। तो वाई इज इक्वल्स टू आई नॉट एस नॉट आई वन एस नॉट। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आप इसका इसका जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखा पड़ा है, मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, फिर ए बार बी। तो इसमें आप देखेंगे कि इस वाला, ये वाला जो एक इनपुट ये है, एक बी है, तो ए बी में से क्या हो रहा है, एक बार तो ए यहाँ पे विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब बार है उस पर, ठीक है, उस पर नोट ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो एक बार ए का नोट ऑपरेशन हो रहा है, एक बार बी का, एक टर्म में, ये एक मेरी एक टर्म होगी, एक टर्म में बी का नोट ऑपरेशन है, एक में ए का, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है, इसमें एक में मेरा नोट का ऑपरेशन हो रहा है, एस नोट का। तो मैं अगर एस नोट को बी रख दूं, तो इधर से मैं क्या वैल्यू गेट करूंगा, आई नोट प्लस, सॉरी, पहले बी बार आएगा,
है ना, एस नॉट की जगह मैंने बी रख दिया तो प्लस आई वन डॉट बी आएगा। समझ में आया था ना? अब देखो, अगर बी बार आ रहा है यहाँ पे, मेरा बी बार जहाँ आ रहा है ठीक है, वहाँ पे क्या आ रहा है ए, यानी मेरा आई नॉट की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, ए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना ए इनपुट अप्लाई कर दूंगा। और दूसरी जगह जहाँ पे मेरा बी आ रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है ए बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसका पहले नोट ऑपरेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा ए बार। तो जब मेरा आई नॉट इज इक्वल्स टू ए, आई वन इज इक्वल्स टू ए बार एंड एस नॉट इज इक्वल्स टू बी, देन इनकी वजह से मुझे वाई क्या मिलेगा, ए बी बार ए बार बी, ये मिलेगा मुझे वाई, या कह लो ए एक्सोर बी। दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट टू क्रॉस वन मग्स एज अ एक्सोर गेट।